ब्यूटीफुल वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल तो आज का हमारा टॉपिक है साइट वर्ड्स के ऊपर साइट वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं और कैसे आप साइट वर्ड के यूज से अपने बच्चों की इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं सो साइट वर्ड्स हम उन वर्ड्स को बेसिकली बोलते हैं जो वर्ड आपके बच्चों की स्टोरी बुक्स उनकी इंग्लिश की बुक्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और साइट वर्ड्स आपने देखा होगा यही वर्ड्स बच्चों की स्टोरीज होती है या उनकी इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं स्कूल की उन बुक्स में जो सेंटेंस होते हैं उनमें यही वर्ड्स साथ में सी बी सी वर्ड या जो वर्ड आप फोनेटिकली पढ़ सकते हैं उनके साथ यही वर्ड अपीयर होते हैं तो ये वर्ड इन वर्ड में से कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो आप बच्चों को फोनेटिक्स साउंड के थ्रू नहीं सिखा सकते हैं इसीलिए इन वर्ड्स को बच्चों को लर्न कराया जाता है अब बच्चे जब सीवीसी वर्ड को देखकर सीवीसी वर्ड मतलब कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो सबसे पहले बच्चे फोनिक्स लेटर्स के साउंड के बाद पढ़ते हैं जब बच्चे उन वर्ड्स को देखकर पहचान सके वर्ड बोल सके उसके बाद हम ये सी बी सी वर्ड के साथ साइट वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं ये लिस्ट आप अपने पास बनाकर रख सकते हैं और बच्चों को वीकली एक एक दो दो वर्ड डालकर सेंटेंस सिखा सकते हैं आप देखिएगा खुद कि जब बच्चे साइट वर्ड्स को लर्न करके सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वो कितनी फ्लुएंटली सेंटेंस को पढ़ रहे हैं मगर और एक बात जो जरूरी है वो है इनफ प्रैक्टिस साइट वर्ड सिखाने के बाद उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते रहना है ऐसा नहीं कि बच्चे पहले वाले साइट वर्ड भूल रहे हैं और हम उनको नए नए वर्ड्स याद कराते जा रहे हैं सो इनफ प्रैक्टिस जरूरी है इन साइट वर्ड्स की इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप ले सकते हैं वहां से और अपने पास रखकर एक एक दो दो वर्ड बच्चों को सिखाते जाइए जब तक वो ग्रेड वन तक पहुंचेंगे इन वर्ड्स की हेल्प के थ्रू फोनिक्स वर्ड्स के हेल्प के थ्रू वो अच्छी रीडिंग कर सकते हैं यहां पर जैसे मैंने अ, इज आई द ऑन ये बिल्कुल स्टार्टिंग के साइट वर्ड्स हैं इन्हीं साइट वर्ड से छोटे छोटे फ्रेज बनाए द फैट कैट हो सकता है स्टार्टिंग में आप पूरा सेंटेंस नहीं सिखा पाए तो अ कैट अ मैट उसके बाद जब बच्चे पढ़ने लगे तब आप बच्चों के लिए सेंटेंस में एक साथ दो दो साइट वर्ड्स डालकर उन्हें सेंटेंस रीड करा सकते हैं साइट वर्ड सिखाने के बाद जो सबसे जरूरी है वो है इनफ प्रैक्टिस अगर वो प्रैक्टिस सेम सॉर्ट ऑफ सेंटेंस को बार बार आप रीड कराएंगे सेम साइट वर्ड से तब जाके उनको साइट वर्ड अच्छे से लर्न हो जाएंगे और वो सी एंड से कर पाएंगे सी एंड से साइट वर्ड्स को कराया जाता है मतलब आप देखिए और बोलिए तभी इनको साइट वर्ड्स बोलते हैं आप इनको लेटर बोलकर लर्न करें ताकि आपको याद रहे इन साइट वर्ड्स को हम साउंड से नहीं पढ़ रहे हैं तो रीडिंग उनकी फ्लुएंट इन साइट वर्ड्स के हेल्प से होगी अ कैट इज ऑन मैट रैट इज ऑन अ मैट रैट इज ऑन अ बच्चे थोड़ा सा रीड कर सके आप कुछ और साइट वर्ड्स ले सकते हैं हैव अगर साइट वर्ड्स थोड़े बड़े हैं तो वीक में एक ही सिखाइए और पुराने साइट वर्ड्स की हेल्प से उनके सेंटेंस को उन्हें रीड कराइए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए डेली आप दो दो तीन तीन सेंटेंस बच्चों से जरूर रीड कराइए आई अ डॉग I have a bun. फिर मैंने ये my लिया। My cup is red. Max is my pet. Big. Max is a big fat cat. अब आप देख रहे होंगे जो पुराने sight word है उनको मैंने अब हाईलाइट नहीं किया क्योंकि अब तक बच्चे को वो लर्न हो जाने चाहिए जब बच्चा पुराने साइट वर्ड्स को पढ़ सके तभी आप उसको नए साइट वर्ड डालकर सेंटेंस को बड़ा बनाइए माई मग इज बिग तो इस तरह से आप अपने पास ये लिस्ट रख सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहां से टिक कर करके बच्चों के लिए एक एक दो दो साइड फट्स लेके इस तरह से थ्री या फोर सेंटेंस उनके लिए डेली प्रैक्टिस कराइए फिर आप देखिएगा आपके बच्चे कितना खुश होकर बुक्स की रीडिंग करते हैं और बड़े बड़े सेंटेंस भी बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं थोड़े और सेंटेंस हैं जब बच्चों को थोड़े और फोनिक्स के रूल आ जाते हैं आई कैन See the bus. Can see the sailboats. Look at the pig in the mud. I have a lunch box. The little fox is in the den. Go away. सेड मैक्स तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आशा कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा और लिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और अपने बच्चों को बड़ी आसानी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सिखा सकते हैं और सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग